दोस्तों क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के सामने एक तरफ पाकिस्तान का हैमर हो और दूसरी तरफ अपने इंडिया का। इससे पहले कि इन दोनों का आमना सामना हो, उससे पहले हम हाइड्रोलिक प्रेस में एक नई और पुरानी कुल्हाड़ी डालकर देखते हैं। सबसे पहले पुरानी कुल्हाड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे डाला जाता है। पुरानी कुल्हाड़ी हाइड्रोलिक प्रेस की चपेट में आते ही दो हिस्से हो गई, जिसके बाद नई कुल्हाड़ी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे डाला गया। नई कुल्हाड़ी टूटी तो नहीं पर पूरी तरह से बेंट जरूर हो गई, जिसके बाद साधारण शीशों को एक के ऊपर एक रखते ही उनका यह हश्र हुआ। यही एक्सपेरिमेंट बुलेट प्रूफ शीशों के साथ भी किया गया। बुलेट प्रूफ शीशे भी कुछ ही देर गाड़ी के बाहर को झेल पाए, जिसके बाद वह भी टूट गए। धधकती हुई मेटल बॉल को तो हाइड्रोलिक प्रेस ने चकनाचूर कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोड़ो, आप समझ ही गए होंगे। अब बारी आती है फाइनल एक्सपेरिमेंट की। पाकिस्तान का हैमर तो 50 टन के प्रेशर में पूरी तरह निपट गया, मगर जैसे ही इंडियन हैमर का सामना हाइड्रोलिक प्रेस से हुआ, इंडियन हैमर ने 100 टन से भी ज्यादा का प्रेशर बड़ी आसानी से झेल लिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ।